मंदिर में पंडे करते थे चोरी। जी हाँ, उज्जैन में 3 कर्मचारी दान राशि पेटी के बजाय जेब में रखते पकड़े गए। मामला महाकाल मंदिर का है। यहाँ पर श्रद्धालुओं द्वारा दान की जा रही राशि में वहाँ के कर्मचारी बड़ा खेल कर रहे थे। कर्मचारी दान राशि को दान पेटी में न डालकर बारी बारी से अपनी जेब में डाल रहे थे। महाकाल मंदिर समिति ने 3 कर्मचारियों को इसमें रंगे हाथों पकड़ा है। यह कर्मचारी श्री महाकालेश्वर मंदिर समिति द्वारा शुरू की गई निःशुल्क प्रसाद तिलक और कलावा बनवाने के कार्यक्रम में लगे थे। इस निःशुल्क योजना को मंदिर समिति ने 1 माह पहले ही शुरू किया था। इस काउंटर पर श्रद्धालुओं को तिलक और मौली के लिए अलग अलग शिफ्ट में मंदिर समिति के कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई है। मंदिर प्रशासन के पास काउंटर पर कर्मचारियों द्वारा पैसे मांगने की लगातार शिकायतें मिल रही थीं। इसके बाद प्रशासक गणेश कुमार धाकड़ और सहायक प्रशासक मूलचंद जूजामाल ने काउंटर के पीछे खड़े हुए कर्मचारियों की हरकत पकड़ ली। शनिवार को तिलक काउंटर पर मंदिर समिति के कर्मचारी संतोष पाठक, सोम मिश्रा और गोपाल जोशी की ड्यूटी थी। अधिकारियों ने कर्मचारियों से पूछताछ की तो उनके पास करीब 1355 रुपये नगद जेब में मिले। हालांकि पूछताछ की गई इसके बाद उन्होंने राशि लेना स्वीकार किया है। महाकाल मंदिर के प्रशासक गणेश धाकड़ ने कहा कि मंदिर प्रशासन ने 3 कर्मचारियों को जांच रिपोर्ट आने तक मंदिर में प्रवेश देने से रोक दिया है। श्री महाकालेश्वर मंदिर में करीब 350 कर्मचारियों की अलग अलग समय पर विभिन्न विभागों में काम पर ड्यूटी लगी हुई है। कलेक्टर रेट से अधिक वेतन और प्रतिवर्ष वेतन बढ़ाने के बाद भी इस प्रकार की मामले मंदिर में आए दिन सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में इन 3 कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। जी हाँ, महाकाल मंदिर में पंडे चोरी करते थे, इसके मामले में 3 पंडे पकड़े गए हैं। आप देख रहे हैं द दशक 24।